हेलो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में जो मैं आपको एक्सेल का फंक्शन बताऊंगा ना, वो आपके बहुत काम आ सकता है। तो समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है और ये आपके बड़े बड़े जो डेटा है ना उसमें काम आएगा। कैसे आएगा देखिए, यहाँ पर मैंने तीन शीट ली है। शीट वन में कुछ अमाउंट ले लिया है, शीट टू में मैंने कुछ अमाउंट ले लिया है और शीट थ्री में भी कुछ अमाउंट ले लिया है। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो शीट हैं वो बहुत सारी हैं, 200, 300, 500 इस तरह से बहुत सारा डेटा है। अब हमारी जो शीट फाइव है इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अलग अलग शीट से अमाउंट उठाऊँगा, टोटल करूँगा उनका और वो यहाँ पर टोटल आ जाएगा। अब मैं ये जानना चाहता हूँ जो टोटल है वो किन किन शीट से उठकर आ रहा है, हमें वो पता चल जाए। सीधा यहाँ पर हम क्लिक करें और वो शीट ओपन हो जाए, वो सेल तक हमें पहुँचा दे कि भाई ये जो सेल है ये अमाउंट जो है इस शीट के अंदर फॉर्मूले के अंदर यूज़ किया गया है। चलिए मैं आपको फॉर्मूला लगा कर दिखाता हूँ। पहले इक्वल टू शीट वन पर गया मैं और शीट वन पर मैंने फॉर एग्जाम्पल ये अमाउंट ले लिया, प्लस किया, शीट टू पर गया और मैंने ये वाला अमाउंट ले लिया, ठीक है, फिर प्लस किया और शीट थ्री पेपर में गया, शीट थ्री में मैंने ये वाला अमाउंट ले लिया, ठीक है। अब मैं एंटर कर देता हूँ तो यहाँ पर मेरा टोटल आ गया है, ठीक है। तो भाई शीट वन में मैंने C6 लिया, शीट टू में E4 इस तरह से। अब ये जो अमाउंट है ये किस किस सेल का है वो मुझे पहुँचना है। देखिए, तीन चार अगर आपके पास शीट है तो उसमें तो आप आसानी से मैनुअली पहुंच सकते हैं, लेकिन 100, 200, 500 ज़्यादा की हम बात कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ट्रेस करने के लिए हम जाएंगे फॉर्मूलाज में और यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा, ये फॉर्मूला ऑडिटिंग लिखा हो ना, इसके अंदर यह है ट्रेस प्रिसिडेंट्स, ये जो फंक्शन है इसका यही काम है। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर एक तीर बना हुआ आ गया और यहाँ पर एक इस तरह से शीट का जो है डिज़ाइन बना हुआ आ गया। अब यहाँ पर आपको ये छोटा सा एक गोला ब्लैक दिख रहा है ना, इसको मैं जूम करता हूँ, ये देखिए ये ब्लैक कलर का जो होल है इस पर हम लेकर गए तो माउस का एरो जो है इस तरह से आ गया और यहाँ पर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर ये कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे, एरो आना चाहिए आपका, ये एरो आ गया, डबल क्लिक करूँ, जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पर गो टू का फंक्शन खुल जाएगा और यहाँ पर आपको जो शीट्स इसके अंदर यूज़ की गई हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। अब मैं चाहता हूँ भाई शीट वन पे, इस वाले पे मैं जाना चाहता हूँ, ओके करूँगा तो शीट वन पे यह पहुँच जाएगा और जो सेल यूज़ हुआ है वो यहाँ पर आ गया है। देखिए, इस पर ये यूज़ किया था ना हमने, इसी तरह से शीट टू में इसमें चलते हैं हम दोबारा से, यहाँ पर एरो आ जाएगा, डबल क्लिक करेंगे और अब हम इसको क्लिक करेंगे और ओके कर देते हैं। तो अब हम चले गए शीट टू में, ये वाला सेल यूज़ हुआ है, ठीक है। अब दोबारा से हम देख लेते हैं, डबल क्लिक, शीट थ्री में कौन सा यूज़ हुआ है, ओके कर लेते हैं। तो शीट थ्री में हमारा ये वाला सेल यूज़ हुआ है इसके अंदर, ठीक है। ये तो मैंने प्लस करके दिखाया, गुणा, भाग, जोड़, घटा, जो भी कोई भी चीज़ हो वो आपको इस तरह से ये हमें जो है पता चल जाएगा कि भाई इस सेल के अंदर जो फॉर्मूले लगे हुए हैं उसके अंदर कौन कौन से जो सेल है, कौन कौन सी शीट का सेल है वो इंक्लूड हुआ है। तो ये एक छोटा सा फंक्शन था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम आ सकता है अगर आप बड़े डेटा पर काम कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप यूज़ करके देख सकते हैं और इसी तरह की अगर आप एक्सेल की ज़बरदस्त चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप मेरे एक्सेल के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ वेबसाइट, techguruplus.com पर जाएंगे, यहाँ पर आपको कोर्स की सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। 2000 का कोर्स है, आप चेक कर लेना अगर आप एक्सेल को डीपली सीखना चाहते हैं। और यहाँ पर आप मेरा फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सेल एक्सपर्ट कम्युनिटी, और यह है मेरा इंस्टाग्राम, आप अगर चाहें तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप डीपली सीखना चाहते हैं तो एक्सेल के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें MIS रिपोर्ट, डैशबोर्ड रिपोर्ट वगैरह मैंने सभी इंक्लूड किया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, अगर आपको हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक जरूर कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। इसी तरह का अगर आपका भी कोई और क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए वीडियो बनाने की। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।